अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसम। तो हम कुछ दोस्त आज गेट टुगेदर के लिए निकले हुए थे दरिया सतलुज के ऊपर। जब पहुंचे तो ये मंज़र देखने को मिला कि एक ट्रैक्टर ट्राली है जिसके ऊपर सैकड़ों मन लकड़ियां लोड हैं और वो बेड़े के ऊपर लोड करके दरिया क्रॉस करवा रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो इस मंज़र को कैप्चर करते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जी आप खुद अब देखेंगे कैसे लोग इतनी हैवी किस्म की ट्रांसपोर्ट दरिया क्रॉस करवाते हैं। तो पिछले दिनों मेरी नज़र से एक मज़मून गुज़रा जिसमें ज़िक्र था कि इंसान ने अपनी सफरी सहूलियात के लिए जो बैड़ी कश्तियाँ गाय बगाय तैयार करता रहा और इसको जदीद से जदीद तर तैयार करता रहा। दुनिया में जो स्टीम इंजन से चलने वाला पहला बैरी जहाज़ 1807 में गालबन बना, फिर उसी नौयत का एक जहाज़ 1838 में तैयार किया गया जिसका नाम सेरिस रखा गया और वो पहला जहाज़ था जिसने बहर ओकियानोस को पहली मरतबा बोर किया। तो ये काफ़ी बड़ी कैपेसिटी का जहाज़ था, उसका नाम मेरे ख्याल में सेरिस नामी वो जहाज़ था। तो इस वक्त जो सबसे जदीद जहाज़ है वो मेरे ख्याल में जापान के पास है, जेमो क्लास। तो उसकी भी कैपेसिटी हैरान कन है, 813 फुट वो लंबा है गालबन, 14 हेलीकॉप्टर उसके ऊपर लोड होते हैं, दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों फौजी उसके ऊपर वो लोड करके ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब कुछ खबरों में पिछले दिनों सुन रहे थे कि चाइना एक जहाज़ तैयार कर रहा है जो इस जेमो क्लास से भी कई गुना ज़्यादा सलाहियत रखता है। तो इस्लाम में भी जहाज़ों की और कश्तियों की काफ़ी हिस्ट्री मिलती है। हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 64 लाख मरबा मील यानी कि आधी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की, उन्होंने भी बहरी जहाज़ और बहरी बेड़े तैयार किए। तो हज़रत नूह अलैहि सलाम की कश्ती का भी जिक्र तारीख में मिलता है। तो इंसान ने फिर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जदीद से जदीद सफरी सहूलियात पैदा की और अब भी दुनिया में तकरीबन 80% तजारत बहरी जहाज़ों के ज़रिए की जाती है। तो ये ले जनाब, अब ये नज़दीक से नज़दीक आ रहा है, अभी ये ज़मीन के साथ अटैच करके आप खुद देखेंगे कैसे इसको इसके ऊपर से उतारेंगे। तो ये भी एक हैरान कन मंज़र होगा, देखें इसको चलाने वाला कैसे महारत के साथ इसको ज़मीन के साथ अटैच करेगा और इसके ऊपर जो मौजूद हैं ये फट्टे नुमा ये ज़मीन के ऊपर अटैच हो जाएंगे और इसके ऊपर लग के ये ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से गुजर जाएगा। ये देखें क्या बात है। तो अभी ये साथ इसके अटैच करेंगे। तो ये अब तैयार है जी उतरने के लिए बंदरगाह के ऊपर। ये देखें जनाब वाला, या अल्लाह खैर, वेरी गुड, क्या बात। जी हाँ जी सर, अब हम इसके ऊपर सवार होंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसी इसकी नौयत है। ये दोस्तों नीचे से मुकम्मल तौर पर लोहे का बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो लकड़ी के जो फट्टे नुमा इसके ऊपर लगाए हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी सलाहियत का है जनाब, क्या बात है जी। ये देखें जी, ये दरिया की सैर करें। ठीक है जनाब, तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ ऐसा मंज़र शेयर करना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।